चलो मालवी। एक मिनट रुकिए रक्षक परी, ये देखिए। ये देखिए रक्षक परी, मेहर की यहाँ होने का सबूत। ये मेहर की घड़ी है जो वो हमेशा हाथ में पहनती है। बालवीर तुम्हें पक्का पता है कि ये मेहर की घड़ी है? हाँ नटखट मरी, मुझे पक्का यकीन है कि ये मेहर की घड़ी है। इसका मतलब मेहर जीवित है नटखट मरी? मेहर जीवित है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बालवीर। इस घड़ी के मिलने से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मेहर यहाँ आई थी और उसी ने अपनी माँ से बात की थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मेहर का खाई में गिरना और इस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलना, ये सब कोई सहयोग नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेहर इसी जंगल में कहीं है पर किसी की कैद में है। ध्यान से सुनिए, आपको कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बालवी, मुझे बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई दे रही है और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये धुन कोई साधारण धुन नहीं है, जरूर एक मायावी धुन है। हाँ तो चलिए नटखट भाई, हम इस मायावी धुन का पीछा करते हैं। हो सकता है जहाँ से ये धुन आ रही हो वहाँ पर है भी हो। ठीक है बालवी, चलो। सो गई मेहर। छल 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 ल ल छल 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 ल ल छल 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 ल ल छल छल। ये बांसुरी की धुन अचानक बंद कैसे हो गई? शायद बजाने वाले को हमारे आने का आभास हो गया होगा। नहीं नटखट परी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी धुन से हमें भटकाने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन नटखट परी, मुझे पूरा यकीन है कि वो धुन यही कहीं से आ रही थी। उसका भी पता चल जाएगा बालवीर, लेकिन उससे पहले मैं जाकर रानी परी और बाल परी को ये खुशखबरी देती हूँ कि मेहर जीवित है और इसलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें वापस लौटा दें, ताकि तुम उस मायावी शक्ति को ढूंढकर मेहर को बचाकर वापस ला सको। नहीं नटखट परी, अब मेहर के बारे में किसी को भी नहीं बताइएगा। क्यों बालवीर? कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। माँ और रानी परी को ऐसा लगेगा कि मेरी शक्तियाँ वापस लौटाने के लिए आपने कोई नया बहाना बनाया है, इसलिए अब मैं मेहर को खुद ढूंढूंगा और मेहर को बचाने का जो कार्य मुझसे पहले अधूरा रह गया था उसे अब मैं खुद पूरा करूंगा। ठीक है बालवीर, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो तुरंत मुझे अपनी मदद के लिए बुलाओगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना बालवीर। शुक्रिया नटखट परी, लेकिन नटखट परी आप मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए, ना पूरा परिवार चिंतित हो जाएगा कि बल्लू कहाँ गया। ठीक है। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है, मैंने मेहर से ही फोन पर बात की थी। मेहर मुसीबत में होगी, उसे हमारी जरूरत है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं इन लोगों को
विश्वास ही नहीं कर रहा है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास है माँ। हाँ माँ, और मैं आपका विश्वास सच में बदल दूंगा और मैं मेहर को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं नहीं, हम। हाँ बल्लू, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे मेहर को। क्या सच? ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या हुआ भयंकर परी, खुशी के सुर क्यों बिखेर रही हो? लगता है तुम्हारी साजिशों की कोई नई धुन तैयार हो गई। हमारी जीत का दूसरा चरण भी अब कामयाब हो गया है छल परी। रानी परी ने बालवीर की सारी शक्तियां उससे छीन ली। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी जीत की सबसे बड़ी रुकावट अब शक्तिहीन है। मतलब हमारी हार के गीत गाने वाला ये बालवीर अब खुद बिना आवाज के हो गया है। अब तीनों लोकों में हमारी जीत के सुर गूंजेंगे। गाओ छल परी, जितना जी चाहे गाओ, क्योंकि परी लोक में तो अब बालवीर के शक्तिहीन होने का मातम छाया होगा। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब एक मामूली सा कंकड़ बन गया है, जिसे हटाना कोई बड़ी बात नहीं। वाह वाह, क्या सुरीली खबर है। और हाँ भयंकर परी, उस महर को मैंने और भी गहरी नींद सुला दिया है। नहीं छल परी, अब हमें उस महर की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो बालवीर या किसी को भी अब दोबारा मिले, और हमारी साजिश का सच सबके सामने आए। इसलिए अब समय आ गया है उस महर को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाने का। ठीक है भयंकर परी, जैसी धुन तुम चाहोगी मैं वैसी ही धुन बनाऊंगी। अब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी हम दोनों भी करेंगे मेरे को ढूंढने में तुम्हारी मदद। तुम दोनों? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारा भाई कुकी तुम्हारे पापा जी के साथ कहीं घूमने गया है। हाँ, फिर भी वो हमारे साथ आ सकता है। कैसे? ऐसे। देखो, आ गया ना वो हमारे साथ। सोच ले कुकी, हमें जी जान लगा कर ढूंढना होगा मेहर को। जी जान लगा कर? और जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जी जान लगाना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। जी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जीजान न्यू लगा सकता हूँ। बस दो मिनट में मैं लगा सकता हूँ जी। अच्छा, कैसे? अभी देखो। लो जी लो, मैंने तो अपना जी और जान लगा दिया। अब तुम सब भी अपना जीजान लगा दो, फिर हम मेहर को ढूंढेंगे। बल्लू, मैं तो कहता हूँ कि हम पुक्की को छोड़कर ही चलते हैं। मानो इस समय दो से भले तीन। जी नहीं, तीन से भले चार। हाँ हाँ चार, लेकिन मल्लू वो जंगल तो बहुत दूर है ना, तो हम वहां तक कैसे जाएंगे?
मैं लेकर जाऊंगा। मोंटू, तुम हमें जंगल लेकर जाओगे? हाँ, वॉश हम सबको अपने ऊपर बिठा कर लेकर जाएंगे। आखिर जंगल में तो हाथी के ऊपर ही जाते हैं ना। इसी बहाने महर को ढूंढना भी आ जाएगा और हम सबको एलिफेंट सफारी के मजे भी मिल जाएंगे, है ना बॉस? हाँ। हमेशा सही समय पे गलत बातें करते रहते हो। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें, और वो भी मेरे गाड़ी में। मोंटू, इसमें तुम्हारी कोई शैतानी तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर मोंटू, तू महर को क्यों ढूंढना चाहता है? वो क्या है ना, इतने दिनों से बॉस की किसी ने हालत खराब नहीं की है ना, इसलिए बॉस महर को मिस कर रहे हैं। सही कहा इसने। वो क्या है ना, सामने वाला हमारी टक्कर का हो ना, तब उसे परेशान करने में मजा आता है। इसीलिए मैं महर को सबसे ज्यादा परेशान करता था, लेकिन वो है ही नहीं, तो मैं परेशान किसे करूं? तुम पिद्दियों को? नहीं ना, इसीलिए मुझे मैं हमारे स्कूल में चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, समझे? वाह बॉस वाह, कौन कहता है कि आप में अकल नहीं है? हम कहते हैं, ये कहते हैं, सारा स्कूल कहते हैं। चलो चलकर महल को ढूंढते। चलो महर ढूंढो अभियान की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। ना घना जंगल है। चलो चलते। ओ, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? जंगल से? नहीं, मोंटू से। अगर वो डर के मारे मुझ पे गिर गया तो? हाँ, यहाँ तो बॉस को उठाने क्रेन भी नहीं आएगी। डरो मत, अगर हमें महर को ढूंढना है तो इस जंगल में जाना ही पड़ेगा। चलो महर को ढूंढते हैं। अरे बॉस, अब डर क्यों रहे हो? पूरा जंगल तो खुद हाथी से डरता है। हो सकता है वो शेर से डर रहा होगा। हाँ, शेर है। हाँ, यहाँ शेर है। किधर है शेर? किधर है?
मेरे दिमाग में। ए पुकी एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। हाँ होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। अरे मंडे मंडे मंडे। देखा बल्लू, मैंने कहा था कि हम इस पुकी को छोड़कर ही आते हैं। हाँ मानो तूने सही कहा था, लेकिन अभी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए समय बचाने के लिए हमें अलग अलग ग्रुप में बट जाना चाहिए। मतलब हम सब एक तरफ और मोंटू बस एक तरफ। सॉरी बस। मानव और पुकी तुम दोनों एक टीम, और तुम दोनों महर को ढूंढने के लिए लेफ्ट साइड जाओगे। मोंटू रोहित केवल तुम तीनों एक टीम में, और तुम तीनों महर को ढूंढने राइट साइड जाओगे। तो जाओ। तुम सब मेरी चिंता मत करो, और वैसे भी हमारे पास ये वॉकी टॉकी है ना, हम इससे कभी भी और कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो जाओ। चलो चलो। आगे चले। क्यों? क्योंकि बस जब हाथी आगे चलेगा तो ये पौधे टूटेंगे और हमारे जाने का रास्ता बनेगा। ओ। चलो। कहाँ बस? कहाँ? पिज़्ज़ा बर्गर खाने? बस ये ना एक नंबर का भुक्कड़ है बस, एक नंबर का। जब आप देखो तब खाने की बातें सोचता रहता है, बिल्कुल आपकी तरह। जी मच्छर था, यहाँ कितने सारे मच्छर है। पुकी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मच्छर हमारा खून क्यों पीते ऐसे ऐसे करके? हाँ मच्छर ने कभी तुझसे पूछा कि तुम दूध क्यों पीते हो? अभी तक तो नहीं। तो फिर जब वो हमसे सवाल नहीं करते तो हम उनकी जिंदगी में दखल क्यों डालते हैं? अरे सच कह रहा हूँ मैं, पहले तो मुझे भी अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा कि फोन एक लड़की को उसकी तार से लपेटकर उड़ा के लेके जा रहा है। फोन उड़ा ले जा रहा था, लेकिन जी फोन से तो इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं ना। अरे ये इंसान कुछ भी करते रहते हैं, पता नहीं उनका कोई नया आविष्कार होगा जिसमें पहले बात करो और फिर उड़ कर चले जाओ। वो लड़की जरूर मेहरी होगी, लेकिन वो फोन से उड़कर जा रही थी कैसे? चलो घर चलते हैं, वरना कहीं हम पे ही कोई मुसीबत ना आ जाए। अब एक मिनट कर गो शंकर। कहीं ये बच्चा हमारी बातें सुन तो नहीं पा रहा है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपकी बात सुन और समझ सकता हूँ और आपकी भाषा भी बोल सकता हूँ। हमारी भाषा में बोलने और समझने लग गए हैं। अब तो हम दो पल चैन से आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। No privacy, you see? ऐसा हो ही नहीं सकता। परियों के अलावा एक ही इंसान है इस पूरे लोक में जो हम जानवरों की भाषा बोल और समझ सकता है, और वो है बालवीर। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बालवीर ही हूँ। खुश रहो खरगोश अंकल, खुश रहो। खुश रहो बालवीर। पर बालवीर तुम इस रूप में और जंगल में क्या कर रहे हो? वो मैं अपने मित्र महर को ढूंढ रहा हूँ, जो शायद वही है जिसे आपने फोन के साथ बंधे हुए उड़ते हुए देखा है। आपको पूरा यकीन है ना कि वो महरी थी? हाँ बालवीर, मैं दिन में कई सारे गाजर खाता हूँ जिसकी वजह से मेरी आँखें तेज है और कभी धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब है कि वो लड़की मेहर हो सकती है। मतलब शायद तुम ठीक हो मेहर, तुम हमें छोड़कर नहीं गई हो, और अगर ऐसा है तो अब मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगा, और जिस बुरी शक्ति ने भी तुम्हें कैद करके रखा है मैं उसका अंत कर दूंगा।
खरगोश अंकल, आपने वो तो देखा ही होगा कि वो फोन मेहर को कहाँ उड़ा कर ले गया, तो क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? हाँ हाँ बालवीर, क्यों नहीं, जरूर चलो। शुक्रिया खरगोश अंकल, लेकिन उससे पहले मैं अपने साथियों को भी बुला लेता हूँ। ठीक है बालवीर। मोंटू, रोहित, केवल। हाँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानियर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानियर। मानव, मुकी, ब्रिज के पास मिलो। ओके, ओवर एंड आउट। रोहित केवल, चलो, बल्लू का मैसेज आया था, उसने हमें बुलाया, चलो। केवल देख, बॉस के क्या दिन आ गए, बल्लू के बुलाने पे बॉस को ऐसे भाग के जाना पड़ रहा है। रोहित, जब समय खराब हो ना, तो हाथी को भी गधा बन के जाना पड़ता है। अरे केवल, लेकिन पहले से जो गधा है वो गधा कैसे बनेगा? गधो? जी बॉस। चुपचाप चलो, समझे? बल्लू ने हमें बुलाया, स्टैचू से मैं मिल गई है, चलो 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 बॉस। शायद से बल्लू को पता चल गया कि मेहर कहाँ है, चल, चल। अरे रुक तो सही, अभी अभी तो इतना मजा आया था ढूंढने में, और तू बोल रहा चल, ऐसा थोड़ा ना होता है। पर एक काम करते हैं, कि जब मेहर मिल जाएगी तो मैं घूम जाऊंगा, फिर तुम सब मुझे ढूंढते रहना। कैसी लगी आइडिया? हाँ हाँ, बहुत अच्छी आइडिया। क्या मैं मिल गई? हाँ हाँ, मेहर। हाँ मैं। हाँ कहाँ है मैं? तूने तो कहा कि मेहर मिल गई, मेहर मिल गई, तो बोल कहाँ है मैं? अरे मैंने कब कहा कि मेहर मिल गई? तुम सब चिल्लाते हैं कि मेहर मिल गई, मेहर मिल गई, मेहर मिल गई। ए बल्लू, तूने तो हमें वॉकी पे कहा कि ब्रिज के नीचे मिलो, तो हमें लगा कि मेहर मिल गई और उसे लेके घर जाना है। हाँ हमें भी। बधाई अवश्य, आज आपकी तरह हम सब उल्लू बन गए। बल्लू, अगर तुझे मेहर नहीं मिली है तो तूने हमें इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेहर कहाँ है। क्या? कहाँ है मेहर? तुझे किसने बताया बल्लू? खरगोश। खरगोश? खरगोश थोड़ी ना बताएंगे मुझे। मुझे मेहर की एक घड़ी मिली, इससे हमें पता चलता है कि मेहर यही कही है, तो चलो मेहर को ढूंढते हैं। पीछे चलो, चलो। अरे मेरे पीछे चलो। अरे इसके पीछे चलो। शंकल, आप रुक क्यों गए? मुझे माफ करना बालवीर, मैंने यही तक टेलीफोन को उस लड़की को लाते हुए देखा था, लेकिन फिर यहाँ से वो टेलीफोन और लड़की कहाँ गए ये पता नहीं, इसलिए इससे आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं खरगोश अंकल, आगे का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। वैसे भी आपकी मदद ने मेरे दिल में ही उम्मीद जगा दी कि मैं सुरक्षित है। शुक्रिया खरगोश अंकल। शुभकामनाएं बालवीर, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो खरगोश अंकल। अरे वो देखो, चलो। बल्लू को पूछ। मेहर यही कहीं है। बल्लू, ये तो मैं जंगल में आने से पहले भी पता था कि मेहर यही कहीं है, लेकिन यही कहीं कहाँ है? कहाँ है? मुझसे क्या पूछता है, बल्लू से पूछना। बल्लू कहाँ है मेहर? अरे मेहर के यही होने का मतलब है कि मेहर को यही कहीं छुपाया गया है, बस हमें वो रास्ता ढूंढना है।
तो ढूंढो, जाओ चल। वो टेलीफोन जो मेहर को उड़ा कर लाया था वो जरूर कोई मायावी शक्ति होगी और उससे जरूर मेहर को किसी मायावी जगह पर ही छुपाया होगा, तभी मेहर हमारे इतने ढूंढने पर भी हमें नहीं मिल रही। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। सही कहा बॉस आपने, क्योंकि आपको ऐसे खुला छोड़ना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पूरे जंगल में हर पेड़ पे पक्षी है या उनके घोंसले। लेकिन ये अकेला ऐसा पेड़ है जिसमें कोई पक्षी ही नहीं है। ले, मिट गई मेरी भूख। इस नमूने को लाया बल्लू तू? बल्लू पहुंचने का रास्ता इसी पेड़ से है, लेकिन इस पेड़ में कोई दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा। बुल्लू, ये ऐसे कैसे हो गया? बुल्लू देख, यहाँ यहाँ सब पेड़ों से वो पेड़ अजीब है। ये जगह मेरे हिसाब से मायावी है, इसलिए अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे मोंटू, मोंटू सुन, मोंटू अरे मार दो, मोंटू रुक जा, मोंटू। अरे एक तो पेट में चूहे दूर रहे और ऊपर से ये मुझे परेशान करती जा रही। सेब यहाँ मिट गई मेरी भूख। तो ये है इस मायावी पेड़ का मायावी दरवाजा। ए बल्लू, ए रोहित के, रोहित के, रोहित के, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खाने का इंतजाम हो गया। खाने का नाम जाने की मुंह खोल देते हो, बंद करो। बॉस, ए रोहित के, वो पेड़ का दरवाजा कैसे खुल गया? बल्लू तू सही कह रहा था, ये जगह मायावी है। बल्लू चल घर चलते, मुझे बहुत देर लग गई। बल्लू चल, बल्लू चल। नहीं, हमें इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। तू सही कह रहा है बल्लू, हमें इस पेड़ के अंदर जाना चाहिए। ए रोहित, क्या बल्लू कल कहेगा जाके कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाओगे? अरे बॉस, हम सिर्फ आपके साथ रहते, अपने से उल्लू नहीं है। मैं उल्लू ना, तो जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, जाओ, जिसे जाना जा सकते हो, मैं नहीं आना। मैं महर को ढूंढने के लिए बड़े से बड़ा खतरा भी उठा सकता हूँ। मानव, मैं तेरे साथ हूँ। मानव संभाल के। हाँ हाँ ठीक है बल्लू।
अपने मधुर संगीत से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सुलाने आ रही है छल परी मैं छल 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 तू जाएगा तो हमें कौन बचाएगा बोलो चल हम घर चलते अच्छा वो मार लेंगे चलते से अरे क्या चलो बस पहले तो बच्चों आपको अपनी टीम में लेने से इनकार कर देते अभी तो पेड़ ने भी आपको अंदर लेने से इनकार कर दिया बॉस अगर आप पेड़ के अंदर जाओगे ना तो पेड़ को बाहर आना पड़ेगा वो दोनों अंदर फंस गए हैं और तुम दोनों को मजाक की पड़ी है सॉरी बल्लू मैंने पहले ही कहा था ये जगह मायावी है और ये पेड़ उसी का हिस्सा है और इस दरवाजे को खोलने का रास्ता भी यही कहीं होगा पर हमें ढूंढना पड़ेगा तो सब लोग ढूंढो जल्दी चलो बल्लू अरे मोंटू रॉय केवल को ये दरवाजा खोलो प्लीज इस पेड़ पे एक ही से ये तो सेब का पेड़ नहीं है तो फिर इस पे सेब का फल कैसे अरे ये सेब इस पेड़ पे हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ अरे बल्लू मैं वो नहीं सोच रहा हूँ ये देख इस सेब को मैंने इसी पेड़ से इसी जगह से तोड़ा था फिर ये दूसरा सेब कहाँ से आ गया मंटू तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सेब तुमने यहीं से तोड़ा था नहीं हाँ बल्लू तो ये मायावी सेब है और यही है चाबी उस दरवाजे को वापस खोलने की दरवाजा मुझसे नहीं खुला तुझसे क्या खुलेगा चल उधर अब क्या करना है बल्लू मुझे मुझे सोचने दो ए बल्लू मुझे बहुत डर लग रहा है हाँ बल्लू हम अंदर तो आ ही गए लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है हम आगे कैसे जाएंगे तुम सब चिंता मत करो मेरे पास इस अंधेरे को भगाने का रास्ता है क्या अरे यार डर लग रहा है क्या कर रहा है अंधेरे के डर में हम लोग ये भूल ही गए कि हम अपने बैग में ये लाइट वाला हेलमेट लाए हैं राइट चलो सब लोग अपना अपना हेलमेट पहनो हाँ मेरे बैग में हेलमेट क्यों नहीं है वो क्या है ना बॉस हमने आपके बैग में हम तीनों का खाना रख दिया और हमने सोचा कि आपके बैग में हेलमेट रखने की जगह वेस्ट क्यों करें जब उसी जगह में दो चिप्स के पैकेट आ रहे हैं तो इसलिए हमने आपका हेलमेट नहीं रखा बोलो मुझे भी लाइक की है मोंटू अगर तू तीन चार घंटे भूखा रहेगा ना तो खुद ब खुद लाइट फिल करने लगेगा मोंटू
तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। मोंटू दिख रहा है ना? हाँ, लेकिन बल्लू हम है कहाँ? पता नहीं, पर आगे रास्ता दिख रहा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। बलू हम सही सही तो जा रहे हैं ना? पता नहीं माना। माना तू डर मत, मैं हूं ना, मतलब हम सब है ना उसे संभालने के लिए। चल कम ऑन फॉलो मी। अरे तू संभाल के। मैं मोंटू खजूर। अरे बल्लू इधर तो दरवाजा है और वो भी दो दो, तो हम इन दोनों दरवाजे में से कौन सा दरवाजा खोले? वो दरवाजा खोलो जो मुझे मेरे घर तक लेकर जा सके। काश कोई बॉस के अकल का दरवाजा खोल सकता। अरे बॉस मतलब अब भूलो मत कि आपका काम डरना नहीं डराना है। हाँ हाँ मोंटू डरो मत। हो सकता है इस दरवाजे की उस पार मेहर हो। या फिर कोई जलती हुई खाई, या फिर मगरमच्छों से भरा हुआ कुआ, या फिर अरे चंद्र मुझे लग रहा है मेहर हमारे करीब है, इसलिए अब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन बल्लू यहाँ तो दो दो दरवाजे, हम इन दोनों दरवाजों में से कौन से दरवाजे में जाए? और जी राइट वाला, ये मेरे पापा जी कहते ये राइट हमेशा राइट होता है। ये पुकी तेरा राइट इस बार राइट नहीं हुआ ना तो तेरी साथ बहुत कुछ रॉन्ग हो सकता है। हाँ तो चलो हम राइट वाले दरवाजे में चलते हैं। कहाँ गए सब लोग? हाँ हाँ उठो उठो उठो। अरे यार ये कैसी जगह है जहाँ देखो वहाँ के दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे। हाँ हम अंदर तो गए लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे बल्लू? हाँ केवल ये मोंटू ने
कैसे बताऊं इन बच्चों को कि बालवीर कभी नहीं आएगा। बालवीर! एक मिनट, बालवीर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने बालवीर को इतना बुरा भला कहा ना, इसलिए शायद से वो नहीं आएगा। अरे ये सारे बच्चे मेरी ही वजह से इस मुसीबत में फंसे, अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हवा महसूस हो रही है, यानी कहीं किसी दिशा से अंदर हवा आ रही है, लेकिन कैसे? ये जगह तो चारों तरफ से दीवारों से बंद है और दीवार में से हवा आना असंभव है। कहीं इन चारों दीवारों में से कोई एक दीवार बाकी चीजों की तरह मायावी तो नहीं है? अगर ऐसा है तो हम उसके आर पार जा सकते हैं। कौन सी दीवार है ये कैसे पता लगाऊं? बल्लू कुछ कर, दीवारें तो पास आ गई है। सामने वाली दीवार की तरफ से आ रही, मतलब ये सामने वाली दीवार माया भी है जो हमें दिख तो रही है लेकिन असल में है नहीं। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो दीवार, हम उस दीवार से आर पार हो सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये दीवार माया भी है उस पेड़ की तरह, हम सामने वाली दीवार से आर पार जा सकते हैं। चलो बल्लू, बालवीर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बन जा बालवीर। और हम लोग बालवीर नहीं है जो आज झुमरे के दूसरी बार चले जाएंगे। अरे जो है ही नहीं उसे तोड़ने की क्या जरूरत? तेरा विश्वास करो, हमारे पास समय बहुत कम है। ये दीवार नकली है, ये दीवार दिख रही है पर है नहीं, विश्वास करो। अच्छा ठीक है, पहले मैं जाके बताता हूँ। जा, 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 जा। ठीक हूँ, थैंक यू बालवीर। मेरा मतलब है बल्लू। हाँ बल्लू, अगर तू सही समय पे मानव को नहीं बचा पाता ना तो मानव आज उन दीवारों में दब क्या होता। हाँ हाँ बिल्कुल, बालवीर शरण गया था तू। अरे क्या केवल कहाँ बालवीर और कहाँ मैं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी कि मानव सुरक्षित है। ए बल्लू चल चल, अभी बालवीर जैसा हीरो मत बन, समझा गया? मोंटू तू भी ना। अरे मोंटू को डालो गड्ढे में। अरे गड्ढा और भी बड़ा हो जाएगा। अरे ये मेरा मतलब है ये गुफा में हम लोग और ही अंदर के अंदर चले जा रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? अगर हम इस गुफा के अंदर आए हैं तो मेहर को बाहर लेकर जाने की ही सोचेंगे, और इसीलिए आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। चलो
पहर के। कर लेता हूँ थोड़ा आराम। हैं? तौबा तौबा, क्या आराम से सो रहा है? अरे है लगता आ गई परी भयंकर। पहले ही तुम्हारे वजह से मैं यहाँ से भाग गई है और तुम आराम से सो रहे हो। अरे सो नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ अपनी किस्मत पे कि तुम मुझे मिले। देखो सुनो, ठीक से सुनो अपने कान खोल के। थी तुम्हारी भी गलती मेरी नहीं, फिर भी खाई मैंने मार। एक बार मार खा के तुम्हारा पेट नहीं भरता, दोबारा मार चाहिए? अरे खा तो रहे हो तुम मेरा दिमाग। और गए फूल तुम महल के भागने के बाद है कर दी छल परिने यहाँ की सुरक्षा कड़ी। अब तो यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते, समझे? हाँ हाँ वो तो है, यहाँ पे अभी कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन पहुँच गया तो? अरे है यहाँ पर इतनी बाधाएं तो किसी का यहाँ से जीवित जाना है असंभव, इसलिए करने दो मुझे आराम मेरे गुलाम। क्या कहा मुझे गुलाम? रुको, क्या हुआ बिल्लू? हमारे सामने फिर दो मुसीबत है। दो नहीं एक ही मुसीबत है, लेकिन भले ही वो एक दो के बराबर है। अभी मजाक नहीं। हाँ बल्लू तूने सच कहा, आगे तो फिर से दो दरवाजे। अब इन दोनों दरवाजों में से हम कौन से दरवाजे में जाए? और ये हम राइड लेंगे क्योंकि मेरे पापा जी कहते हैं ये राइड हमेशा राइड होता है। पर पिछली बार राइट राइट नहीं हो सका ना, अब हम लेफ्ट लेंगे। मेरी मम्मी जी भी कहती है कि दिल लेफ्ट में होता है पर हमेशा राइट कहता है। चलो फॉलो मी। तुम लोगों को मेरी मम्मी जी पे शक है? नहीं, तुझ पे शक है। अब देख, देखा अंदर कुछ भी नहीं है। आ जाओ फॉलो मी। अरे बॉस, जैसे जैसे हम अंदर आते जा रहे बाहर जाने का रास्ता बंद होते जा रहा है। और वो रहा आगे जाने का रास्ता। एक मिनट, फॉलो मी। मानव मैं संभाल के। अब क्या करेंगे बल्लू, सामने तो खाई है जिसमें उबलता हुआ लावा बह रहा है। क्या अरे
तो तेरे पापा जी ने तुझे बताया नहीं, जब राइट भी राइट नहीं होता और लेफ्ट भी रॉन्ग हो जाता है तो क्या करना चाहिए? बताया बता। जब लेफ्ट भी और राइट भी दोनों रॉन्ग हो जाते सारे बोलना चाहिए और सीधा चले जाना चाहिए। सीधा सीधा कौन सीधा जाएगा? अरे मोंटू बॉस को डालो गड्ढे में। गुड आइडिया रोहित, शायद गड्ढा बुझ जाए। बस जाओ। अरे बेवकूफो, ये तो चुक गया, आगे क्या करना है? क्या करे बल्लू, लावो तो ऊपर आते जा रहा है। अरे तुम सब बेकार में डाल दे, ये जादुई दीवार के जैसे जादुई लावा है। खाली गरम दिख रहा है पर है कुछ नहीं। अरे मैं कूद रहा नहीं हूँ, मैं पत्थर उठा के अंदर डाल रहा हूँ। मैं किसी भी तरह इस खाई को पार करना ही हूँ। पर कैसे करेंगे बल्लू? नहीं, हमें कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना होगा। हाँ, अच्छा हुआ ये दीवार आगे नहीं आ रही है। शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी किया करो। ए रोहित चुप, अब ये सोचो कि हम ये खाई को पार कैसे करें, वरना ये दीवार हमें इस खाई में ढकेल देगी। हाँ। हाँ। सिर्फ एक ही रास्ता, हमें इस खाई के ऊपर से छलांग लगाकर उस पार जाना होगा। हाँ, वो नई दीवार तो हमें इस खाई में गिरा देगी। ऐसा परेशान मत हो, हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता होता है और इसका भी होगा। मुझे थोड़ा सोचने दो। जल्दी जल्दी सोच बल्लू। बल्लू जल्दी, अरे जल्दी सोचना, जल्दी बल्लू सोचा बल्लू। अरे हाँ जल्दी। तुम्हारे दिल के डर को निकालने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ, ठीक है? और फिर तुम सब भी वैसे ही है ना। देखा कितना आसान था, मैं बल्लू लल्लू कर सकता हूँ तो तुम सब कैसे नहीं कर सकते? आ जाओ मानव, जाओ। मानव डर
पुकी तुम जाओ। जा, मैं केवल बॉस को दिलासा देने के लिए रुकता हूँ। तू जा। अरे जल्दी! तू जा। हाँ बस मिलते हैं अगर आप उस पार पहुंच पाए तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बोलू नहीं। मोंटू जल्दी आ जाओ, दीवार नजदीक आ रही है। आ जाओ। नहीं बोलू, मुक्ति नहीं होगा। नहीं ए मोंटू, डरो मत, आंखें बंद करो, बजरंगबली का नाम लो और आ जाओ। बोलू नहीं होगा मुझसे।